हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 4 का, जिसमें तीन टॉपिक, तीन चैप्टर है, जिसमें से लैपलास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसमें से हम लोग अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज कहाँ होता है? जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, विथ जहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और जहाँ पे जनरल सॉल्यूशन और अदर आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ रहे, उसके वैल्यूज को यूज करते हुए लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका डिफिनेशन पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड करना है, और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, एंड देन कुछ प्रॉब्लम उसमें है। उसी तरह से इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में, जैसे उसका रिवर्स प्रोसेस में इनवर्स लैपलेस कैसे फाइंड करेंगे, और फिर उसके फंक्शंस का जस्ट सेम टू सेम मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग देखते जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो बाकी सारा जो है काफी इजी है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन में आते हैं। व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म? इफ एफ टी एक फंक्शन है टी का, बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए, नॉट नेगेटिव वैल्यू, दैट इज टी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो, देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे हम लोग एल, एल फॉर लैपलास, एल ऑफ एफ टी, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं सीधा सीधी एफ ऑफ एस। मतलब ये चेंज हो गया किस फॉर्म में, एफ ऑफ एस में चेंज हो गया। तो लिखेंगे इसको एल ऑफ एफ टी और इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एस। अब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन है मेरा एफ टी, एल लिखे यहाँ पे आगे में, ये हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये चेंज हो गया फॉर्म इसका। इसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन 0 to infinity, ये याद रखना होगा, ये फॉर्म ये हमेशा यूज होगा, 0 to infinity ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, इंटू डी टी। तो हर बार में जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू बस यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, और देन आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सारे फंक्शंस को यूज करते हुए। वेयर एस इज ए पैरामीटर, एस एक पैरामीटर है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ आगे देखेंगे एस के जगह पे हम लोग ए भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, एक पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये कहाँ कहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा, इसका कंटिन्यूटी क्या होगा? इफ द इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st f t d t converges for, converges मतलब continuous होगा for some values of s, then the Laplace transform of f t is said to be exist। मतलब ये अगर converges होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, तभी ये लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वेन लैपलास ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैन बी फाउंड, तो यही वैल्यू है इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस एस टी एफ टी डी टी कन्वर्जेस फॉर सम वैल्यूज ऑफ एस देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज सेड टू बी एक्जिस्ट अदरवाइज नॉट। ये हो गया सिंपल डिफिनेशन। तो इसमें हमको क्या याद रखना है, 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे आते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम लोग कैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस, पहला फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू वन, वन एक स्केलर है, इस स्केलर का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जैसा हमारा फॉर्मूला था एल ऑफ एफ टी, एफ टी की जगह पे क्या है वन, यहाँ पे हम लोग वन पुट कर दिए। अब फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह पे क्या पुट कर दिए वन डी टी।
अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सीधा सीधे इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड पर, लेकिन यहाँ पर तो ई टू द पावर है, और ई का एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ये यूज नहीं होगा। ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली ई टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस का इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, नीचे में, तो माइनस एस यहाँ आ गया, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 to infinity। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस ऑफ एस यहाँ पर देख लेते हैं, 1 - 1 डिवाइडेड बाई एस ये बाहर निकल गया, अंदर में क्या रह गया, ई का पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई एस, 1 बाई एस, और यहां पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर एस टी, क्योंकि ई टू द पावर -1 है, माइनस एस टी है 0 से इन्फिनिटी। फिर लिमिट पुट करेंगे, तो पहली बार में जब इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये, इसको ध्यान से देखना है, इसके बाद सारा एक ही सेम प्रोसेस से बनेगा। तो जब हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, माइनस लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर 0, क्योंकि एस की जगह पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, टी के जगह पे, तो ई का पावर 0, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का पावर 0, दैट इज किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 1, दैट इज माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 1 बाई एस, ये हम लोग कह रहे हो यहाँ पे नीचे। क्लियर है सबको यहाँ पे, कोई भी एक जन ऋषि का क्लियर है, अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, अभी हम लोग यूज कर रहे थे 1, अब आ रहे हैं टी पे, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e टू द पावर एस टी, और एफ टी के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं टी, तो यहाँ पे हम लोग टी पुट कर दिए, तो ये हो गया टी डी टी, तो ई टू द पावर माइनस एस टी टी। अब ये है यू इंटू वी का फंक्शन, तो यू इंटू वी में ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग जानते हैं यू इंटू वी के लिए होता है यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन होता है वी डी एक्स। ठीक है, तो किसको यू किसको वी ले, तो हमेशा याद रखना है कि टी जो है ये हमेशा क्या होगा, यू के फॉर्म में आएगा, और वी जो है हमेशा ई टू द पावर माइनस एस टी को लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं पहला पार्ट, पहला पार्ट में वी को इंटीग्रेट करना है, यू को कांस्टेंट रखना है, तो यू मेरा टी है, टी कांस्टेंट है, और वी को इंटीग्रेट किए तो ये तो पहले ही इंटीग्रेट कर चुके हैं ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस, लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं 0 to infinity माइनस। नेक्स्ट टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, और फिर वी का एंट्री देखो यहाँ पे है डी यू बाई डी एक्स, एक्स मतलब क्या है, यहाँ टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, डी टी बाई डी टी 1, और फिर ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वी वी डी एक्स है, तो वी इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ पे चूंकि इसमें इंटीग्रेट करेंगे और इसमें लिमिट जब पुट करेंगे, तो पहली बार में अगर सिंपली ई टू द पावर माइनस एस टी और माइनस एस रहता तो वैल्यू क्या आता, 1/s आता, लेकिन दोनों केस में यहाँ पे क्या है, टी है, तो पहली बार जब टी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई माइनस ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 दे देगा, और नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे 1 दे रहा था लेकिन यहाँ पे तो टी है,
टी का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमने पूरा टर्म की जगह पे लिख दिया जीरो। यहाँ से माइनस एस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया वन बाई एस, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई एस, तो वन बाई एस, वन बाई एस मल्टीप्लाई हो गया वन बाई एस स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड वाले, मतलब अगर एफ टी इज इक्वल टू टी दिया हुआ रहे तो उसका इंटीग्रेशन वन बाई एस स्क्वायर होता है, प्रोवाइडेड एस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नीचे में कोई भी टर्म हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। अब आते हैं स्टैंडर्ड पे, मतलब जनरल कंडीशन के लिए, एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। अभी तक हम लोग सिर्फ टी का पावर वन के लिए ले रहे थे, अब मान लेते टी का पावर टू हो, थ्री हो, या 25 हो, 26 हो, तब कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री है, तो सिंपली एल इज इक्वल टू टी टू द पावर एन, जीरो टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन डी टी लिख देंगे। लिख दिए, आगे आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। तो हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या बोले थे कि यू लेना है, यू लेना है ई टू द पावर माइनस एस टी को, और वी लेना है हमेशा किसको, वी लेना सॉरी यू लेना है, उल्टा बोल रहे हैं, ये वी इसको लेना है और यू लेना है ई टू द पावर टी को, जो भी फंक्शन हमारा दिया हुआ रहे उसको टी लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, यू, यू के जगह पे टी टू द पावर एन है, और इंटीग्रेशन ऑफ वी, और वी के जगह पे क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस, इसका इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, हम लोग कहते हैं U का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T, T का पावर N है, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, T का पावर N का, T का पावर N का डिफरेंशिएशन हो जाएगा N टाइम्स T का पावर N माइनस वन, तो ये वाले N को हम लोग बाहर निकाल लें और ये हो गया T का पावर N माइनस वन dt। और e टू द पावर s dt का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, माइनस एस बाहर निकला चूंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बाई एस जीरो टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस टी टी का पावर माइनस वन डी टी। यहाँ तक सब कुछ देख लो, किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर प्रॉब्लम है तभी पूछ लेना है, नहीं तो आगे जाकर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। राहुल प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी भी तरह का, मंजू प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग फिर किए थे कि इसके पहले वाले में जब टी का टर्म था तो पहला वाला टर्म क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था, तो ये टर्म जीरो हो गया क्योंकि पुट करके देखेंगे तो जीरो आएगा तो टी का पावर जीरो ये जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी रहेगा तो वन बाई इन्फिनिटी वो भी जीरो होता है, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ये एन बाई एस हुआ। अब ये फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला वाला टर्म तो हर केस में जीरो हो रहा है तो पहला वाला टर्म को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके वाले टर्म को लिखेंगे। तो हमेशा देख रहे हैं कि ये टर्म क्या है, एक एक घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, आगे में एन आ रहा है और एस आ रहा है, इसको भी वही सेम चीज कर दे रहे हैं। पहली बार लिख रहे हैं, पहली बार में फिर वही चीज हुआ ई टू द पावर एस टी, उसका इंटीग्रेशन माइनस एस, और टी का पावर एन माइनस वन कॉन्स्टेंट यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे एन माइनस एस का टर्म पहले से है तो एन माइनस एस पहले लिख दिए, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी का पावर एन माइनस वन को तो ये क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू टी का पावर एन माइनस टू, और ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस, एस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पहले से एन माइनस एस था, एन बाई एस था, एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ एन माइनस वन, और एस बाहर निकला तो क्या हो गया एस स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन माइनस टू डी। फिर ये वाला टर्म चूंकि इसमें टी का टर्म है लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा,
ये हो गया, सिर्फ रह जाएगा ये टर्म जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, रह जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एस स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी। तो एक देखेंगे एक तरह का पैटर्न आ रहा है, फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन के बाद क्या आएगा एन माइनस टू, और नीचे का पावर एक पढ़ेगा एस क्यू जीरो टू इन्फिनिटी टू दावर माइनस एस टी। और इसमें क्या है, अगर इसमें एन माइनस वन होता है तो इसमें एन माइनस टू होता है, जो कि यहाँ एन माइनस टू लिखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम लोग रिपीट करेंगे, काफी आगे तक लेके जाएंगे, जब तक टी का वैल्यू कितना ना हो जाए जीरो हो जाए। वही चीज यहाँ लिख रहे हैं ई टू द पावर माइनस एस टी, टी का पावर जीरो। अगर टी का पावर जीरो है तो यहाँ पे एक टर्म ज्यादा होता है, अगर एन माइनस थ्री होता है तो यहाँ एन माइनस टू होता है, और टी का पावर जीरो है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और ये टर्म होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू करते 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 लास्ट में वन। और चूंकि जब यहाँ पे एस क्यूब है और एन एथ टर्म तक इसको लेके गए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एस का पावर जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी का पावर जीरो। टी का पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, क्योंकि सिंपल हो गया पहला वाला टर्म में जैसे किए थे, और इसका वैल्यू क्या होता है वन बाई एस, वन बाई एस यहाँ पे पुट करते हैं। और ये क्या होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू करते करते एन तक, इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन, ये है एस का पावर एन वन बाई एस। तो ये हो गया फैक्टोरियल एन, एस का पावर क्या हो गया एन प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टाउ एन, टाउ क्या है गामा फंक्शन, टाउ एन का वैल्यू होता है एन माइनस वन। तो अगर एन की जगह पे अगर हम पुट करते हैं एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं टाउ एन प्लस वन, और ये हो गया एस का पावर। ये भी वैल्यू से याद रखना है और ये भी वैल्यू याद रखना है, एफ ऑफ सॉरी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन वैल्यू होता है, याद रखना होगा ये सब टेबल्स में हम लोग को याद रखना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस वन, या फिर टाउ एन प्लस वन डिवाइड बाय एस टू द पावर एन प्लस वन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे प्रॉब्लम भी आता है और ये डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए एग्जाम में किया जाता है। होपफुली सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर फोर, एफ ऑफ टी ई टू द पावर ए टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई टू द पावर ए टी, तो यहाँ पे ई टू द पावर फंक्शन के जगह पर क्या पुट हो गया ई टू द पावर ए टी। सब कॉपी में लेके सॉल्व करने से काफी इजी होगा, प्रैक्टिस करना होगा सब जो प्रॉब्लम्स को, पूरा पूरी मैथमेटिकल है। ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब ये ई टू द पावर इसको कैसे लिखेंगे, सेम बेस है, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या हो जाएगा एस माइनस ए इंटू टी डी टी, जो ई टू द पावर है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए, और ये एक्स्ट्रा टर्म है तो ये नीचे में आ जाएगा। जैसा हम लोग कर रहे थे ई टू द पावर माइनस एस टी में कर रहे थे, उसमें एस को नीचे लिख रहे थे, यहाँ पे एस की जगह पे क्या है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए फिर पुट करेंगे वैल्यू, तो उसमें क्या आ रहा था सॉल्व सिंपल, अगर ई टू द पावर एस टी था तो उसमें वैल्यू आ रहा था वन बाई एस, यहाँ पे क्या है सिंपल एस माइनस ए, एस की जगह पे क्या है एस माइनस ए, ये हो गया एस माइनस ए। वहां पे एस इज ग्रेटर देन जीरो था, अब एस की जगह पे क्या है एस माइनस ए, एस माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एक उधर भेज दें तो एस इज ग्रेटर देन, क्लियर हो गया क्यों यहाँ लिखे हैं। अभी तक हम लोग फोर्थ नंबर तक कर लिए, अब आते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन ए टी। अब इस साइन को हम लोग क्या चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में,
साइन ए टी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है ई टू द पावर माइनस ए टी, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, जैसे हम लोग ई टू द पावर आई थीटा लिखते थे, ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू लिखते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसी से हम लोग ये वैल्यू फाइंड किए हैं, थीटा की जगह पे यहाँ पे एटी है बस, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर माइनस ए ए आई टी, सॉरी ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए ए टी डिवाइडेड बाई टू आई। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, ये हो गया एल टाइम्स ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टू आई। अब ये टू आई जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकल गया, ये हो गया वन डिवाइडेड बाई टू आई एल। अब बच गया क्या, ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी। अब फिर इसको दोनों को ब्रेक करेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा एल ऑफ ई टू द पावर आई ए टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन यहाँ लिए हुए हैं, ई टू द पावर माइनस ए आई टी आ गया है। तो पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बैक जाए ई टू द पावर आई ए टी, और कोई भी फंक्शन हो एक्स्ट्रा टर्म अगर वहां पर ऊपर में लिखा हुआ रहे एस के अलावा, तो वही टर्म नीचे भी आ जाता है। इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं ए टी का वैल्यू निकाले थे एस माइनस ए, यानी एस के जगह पे जो भी फंक्शन होता है वो एस के बाद माइनस में आ जाता है। यहाँ एस के जगह पे क्या है, आई ए कॉमन यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ऑफ आई ए पहला वाला टर्म, क्योंकि प्लस था इसलिए, और यहां पे क्या हो जाएगा दूसरा वाला टर्म, फिर से देख लें ई टू द पावर माइनस आई, यहाँ प्लस है इसलिए, और प्लस जब होता है तो क्या होता है माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, और यहाँ चूंकि पहले आगे से माइनस है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। पहला वाला हो गया वन डिवाइडेड बाई एस माइनस आई ए, और दूसरा वाला हो गया वन डिवाइडेड बाई एस प्लस आई ए। अब एलसीएम लेंगे सीधा सीधे, तो वन बाई टू आई एस माइनस ए एस प्लस ए यहाँ नीचे में हो गया मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, तो एस प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए, यहाँ से एस और एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आई ए रह गया, ये हो जाएगा टू आई ए, और नीचे में हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, टू आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए। एस स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, माइनस वन पुट कर देंगे माइनस वन एस प्लस, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन सब याद रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करके पुट करना होगा, वहां पे तो सॉल्व करने के लिए नहीं रहेगा, ये सब एक हमारे लिए फॉर्मूला का काम करेगा। साइन ए टी इज इक्वल टू होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए। नेक्स्ट नंबर सिक्स, साइन का निकाल लिए तो कॉस का भी निकालेंगे, कॉस ए टी, और कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है जैसे साइन का लिखे थे उस तरह से कॉस का भी फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर ए टी आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, टू कॉमन बाहर वन बाई टू, तो ये हो गया एल ऑफ ई टू द पावर आई ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस
आई, ये हो गया 1/2। इसका फिर याद रखना है, ये याद रखना कि अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, एस में माइनस करते हैं। तो अगर प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यह सिंपल बात है कि अगर माइनस है तो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एस की जगह पे क्या है, यहाँ पे आइए आइए यहाँ पे लिखें, एस की जगह पे क्या है, माइनस आइए, तो माइनस आइए लिखें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर तक में कोई प्रॉब्लम है तो। सीधा सीधा देखना है, यहाँ पे देख लो पहले कि ये क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो फिर ये दोनों का एलसीएम लिए, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एस प्लस आई ए, और ये हो गया एस माइनस आई। यहां से आई ए कैंसल आउट हो गया, तो हो गया बस 2s, और ए स्क्वायर माइनस, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया प्लस प्लस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या है वैल्यू, इसे नए पीडीएफ में क्लियर रहेगा, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो अगर साइन फंक्शन हो ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक पैटर्न है, और अगर कॉस फंक्शन हो इसका वैल्यू होता है एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तक हम लोग कितने फंक्शन देख लिए, 6 फंक्शन देख लिए, और 2 फंक्शन है, तो हम लोग का आज का इतना ही रहेगा क्योंकि आज पहला क्लास है। तो 6 नंबर है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, ये कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला। इसको यहाँ पे पुट कर दिया सीधा सीधे, जैसे पिछले बार सॉल्व किए थे सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आई का टर्म नहीं। तो फिर 1/2, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकल गया, या फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है, ये बाहर भी निकाल सकते हैं आपको। एल ऑफ ई टू द पावर ए टी प्लस हाफ ई टू द पावर। अब अभी हम लोग बताए थे कि जो भी टर्म एस के जगह पे यहाँ पे होता है, एस के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए, क्योंकि तो सिंपल अगर ई टू द पावर माइनस एस टी होता है जो हम लोग नंबर 1 पढ़े हैं, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है सीधा सीधी 1/s, माइनस होता है यहाँ पे, तो ये हम लोग पढ़े हैं नंबर 1 में, और हम बताए थे बार बार ये चीज फिर भी रिवाइज करें, इसको ध्यान रखना है कि एस के जगह पे, माइनस ऑफ एस के जगह पे जो भी वैल्यू होता है वो एस से माइनस होता है। एस के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए, इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ई टू द पावर ए टी, एक एस के जगह पे, माइनस एस के जगह पे क्या है, ए, तो यहाँ हो जाएगा एस माइनस ए, वहां पे आई था तो आई कर रहे थे, यहाँ पे ए है तो सिंपली ए लिख रहे। उसी तरह से ई टू द पावर माइनस ए, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए, एस प्लस ए हो गया। नेक्स्ट फिर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए, तो यहाँ पे तो आई का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये सिंपली हो गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये टर्म यहाँ गया, ये टर्म यहाँ गया, जो हम एलसीएम लेके ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए, तो यहाँ से ए और ये कैंसल आउट हो गया, तो हो गया टोटल 2s, 2s होगा,
और नीचे में टू, टू और टू कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर सेवन है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। सेम चीज है, तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हो गया वन बाय टू, वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। तो ये हो गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए। ठीक है, अब यहां से सर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एस प्लस ए माइनस एस माइनस माइनस प्लस ए। तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टू ए, टू ए और नीचे में टू है तो ये टू और ये टू कट जाएगा, बचेगा क्या ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू जो है हम लोग को याद रखना होगा। इसके लिए लास्ट में हम लोग एक टेबल भी बनाएंगे जिससे सारा क्लियर हो जाए सब वैल्यू याद रखने के लिए। तो आज के जो हम लोग सात टोटल पढ़े, अभी इसको लिखना भी है,